नमस्ते शर्मिला दीदी। जी नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्ते नीति जी। जी शुरू करें। जी दीदी, तो अभी हम हिंदी सत्र की शुरुआत करते हैं। आप सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। हमारे साथ दिनेश दत्त तिवारी भैया हैं। आज भैया की शेयरिंग होगी। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। आवाज आ रही मेरी क्लियर? जी भैया, आवाज आ रही है। मैं आपका इंट्रोडक्शन रख देती हूँ। जी, तो दिनेश दत्त तिवारी भैया बेसिकली इंदौर एमपी से हैं, और भैया अभी ओमान में एज एन इंजीनियर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और भैया मॉर्निंग सेशन से इस बैच से काफी रेगुलरली जुड़ रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है, आपकी शेयरिंग रखने के लिए। ओवर टू यू भैया। दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। मैं दिनेश दत्त तिवारी मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी श्रीमती रचना तिवारी, बेटा श्रीयश दत्त तिवारी जो 10th में है, और बेटी श्रीनिया तिवारी जो 8th में है। मैं अभी इंदौर से बाहर, मतलब इंडिया से बाहर, ओमान में जॉब करता हूँ, और अभी मेरा प्रेजेंटेशन यहीं से दे रहा हूँ मैं आपको। सो मैं अपनी शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। तो पॉइंट नंबर 2, अभ्यास 1 और 2 से क्या समझ बनी। बहुत मतलब कम पॉइंट्स पे मैं बताना चाहता हूँ कि पहली समझ जो मेरी बनी है वो कि मैं और शरीर, ये दो अलग अलग रियलिटी है। मैं और शरीर दोनों एक दूसरे के को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। मेरे में कल्पनाशीलता है और उसमें निरंतर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अभी तक ध्यान पूरा बाहर की तरफ था, इसलिए कभी कल्पनाशीलता के बारे में समझा नहीं था और जाना नहीं था। अब जैसे ही ध्यान देना चालू किया है इस सत्र के माध्यम से, मॉर्निंग सेशन के माध्यम से, तो ये विश्वास बनने लगा है कि कल्पनाशीलता मेरे में है और इसमें बहुत कुछ चल रहा है। तो अब डिफरेंशिएट कर पाता हूँ कि शरीर अलग है और कल्पनाशीलता अलग है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जो बाहर की संसार है या बाहर की दुनिया है, अभी तक इम्पोर्टेंस उसी को दिया है। बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत सारे अभ्यास किए और बहुत उपलब्धि भी हुई है। बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, जॉब किया है, बहुत सारी फैसिलिटीज अपन ने क्रिएट करी है। तो इसे ये समझ में आता है कि अब जो है ध्यान अंदर की तरफ देना है। अंदर की तरफ ध्यान देके अभ्यास करना है, मेहनत करना है, और जो उपलब्धियां अब धीरे धीरे मॉर्निंग सेशन अटेंड करने से कुछ उपलब्धियां जो हुई है वो आगे मैं रखूंगा। बट इस चीज का भी विश्वास बना है कि जैसी मेहनत और जैसा अभ्यास अभी तक बाहर के लिए किया और जो उपलब्धियां हुई हैं, अगर वही मेहनत, वही अभ्यास और उसी लगन से अंदर की तरफ देखने का प्रयास करें, अपने आप को समझने का प्रयास करें, तो जरूर अंदर की उपलब्धियां भी होंगी। अगला पॉइंट जो मुझे एक समझ में आया है कि इम्पोर्टेंस, अब धीरे धीरे अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चालू किया है। कहीं ना कहीं ये विश्वास बनने लगा है कि मैं ही अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार हूँ, और अभी तक इस चीज को कभी देखा नहीं था, कभी समझा नहीं था, लेकिन अब इस चीज को समझ में आ रहा है कि अगर मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ तो मैं खुद इतना इम्पोर्टेंट हूँ अपने लिए, तो अपने आप को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ये एक पॉइंट बना। उसके बाद शरीर को लेके भी ये समझ में आया है कि शरीर जो है उससे जो संवेदना मिलती है वो एक सूचना है, और उस सूचना को मैं अर्थ देता हूँ। मैं अर्थ अपनी मान्यता या अपने समझ के आधार पर देता हूँ। तो अगेन पॉइंट उसी बात पे आता है कि मेरी समझ और मेरी मान्यता, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ चीजों को, उसी से ही मैं शरीर की संवेदनाओं को भी डिसाइड करता हूँ। तो अपने आप को समझना, अपने अपने आप को देखना, ये बहुत आवश्यक है, और इस कारण से मॉर्निंग सत्र काफी रेगुलरली इस बार मैं अटेंड कर पाया हूँ। पहले भी मैंने ज्वाइन किया था, बट वर्किंग टाइम यहाँ की अलग है और वर्किंग डेज भी अलग है, तो बहुत कन्वीनियंट नहीं हो पाता कई बार। बट इस बार बहुत प्रयास पूर्वक मैंने काफी समय अटेंड किया है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनी है, और इसलिए इस बार शेयरिंग करने के लिए मैं तैयार हो पाया हूँ थोड़ा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेकेंड पॉइंट जो है, स्टेप 1 और स्टेप 2 का।
जी, तो स्वयं के द्वारा अभ्यास एक, अभ्यास एक में जो स्टेप वन है स्वयं को, स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को देख पाते हैं, तो इसमें जो मैं क्लियरली जो स्टेप को देख पाया हूँ मैं उसकी बात ज्यादा कर पाऊंगा। तो कल्पनाशीलता के प्रति होश में आया हूँ। मॉर्निंग सेशन जो चालू होता है और उसके बाद जब तक मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ तब तक काफी इंटेंसिव इस पे मेरा काम होता रहता है, मैं देखता रहता हूँ। इसमें आशा विचार इच्छा को अलग अलग देखने का प्रयास करता हूँ। आशा विचार और ये दोनों को कैटेगराइजेशन अलग अलग कर पाता हूँ। इच्छा में कभी कभी थोड़ा सा डाउट होता है कि ये जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं ध्यान दे रहा हूँ ये इच्छा ही है या विचार का ही कोई रूप है। तो ये चीज चालू हुई है और मॉर्निंग सत्र के बाद जो इंटेंसिटी बनती है वो ये भी देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे ये जो अवेयरनेस है अपने प्रति ये डाइल्यूट होने लगती है। और दोपहर में लंच ब्रेक में फिर मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा इस चीज को सुनूं और वापस अभ्यास करूं। बट अभी अभी की स्थिति ये है कि धीरे धीरे डे बाई डे ये बढ़ते जा रहा है और इस चीज की जो जो अभ्यास है जो प्रैक्टिसेस है जो मुझे सत्र में मिलती है मॉर्निंग में वो मैं नहीं कर पाता हूँ। और अगर वो करना चालू करूंगा तो मुझे विश्वास है कि ये पूरे दिन भर ये प्रोसेस चलती रहेगी और आगे इसकी फ्रिक्वेंसी और डेप्थ तो बढ़ेगा। इसमें स्टेप टू जो हर क्षण सॉरी स्टेप टू है सहज भाव और स्वभाव और मानवीय स्वभाव के अनुरूप भाव को देख पाते हैं। तो इसमें कल्पनाशीलता को जब मैं देखना चालू करता हूँ और जैसे ही कोई घटना ऐसी होती है जिस घटना से मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, मैं कोई ऐसा व्यवहार करता हूँ या कोई ऐसा कार्य करता हूँ जो मुझ मेज में डिसकंफर्ट पैदा करती है, तो मेरे को तुरंत ध्यान आता है इस चीज का और मैं उस समय ये प्रोसेस चालू कर पाता हूँ और ये चेक करना चालू करता हूँ कि ये जो 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 मेरे में भाव था उस समय वो सहज था या नहीं था। बट ये अभी थोड़ा सा उस समय जिस समय में ये व्यवहार करता हूँ या कार्य करता हूँ उस समय अगर मैं अवेयर होके और डिसाइड करके जैसे मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ या कुछ काम करने जा रहा हूँ तो अगर मैं इस चीज को पहले से डिसाइड कर लूँ कि नहीं मुझे होश में रहना और मुझे इस चीज को देखना है तो मैं ये कर पाता हूँ। लेकिन नॉर्मली जब कुछ ऐसी घटना होती है जिससे मैं अपसेट होता हूँ तो बाद में आके फिर मैं उस चीज का एनालिसिस करता हूँ, उस चीज को देखता हूँ कि क्या हुआ था उस समय। तो ये कंपैरिजन जो है ये जो मूल्यांकन है कि ये भाव सहज है नहीं है ये अभी उस समय नहीं होता जिस समय काम होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद होता है। तो ये चीज चालू हुई है अभी। अभी जैसे अभी अभी वर्क प्लेस का एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। वर्क प्लेस में मेरे कुछ कलीग्स हैं जो उतने प्रोडक्टिव नहीं है जितना मुझे चाहिए रहता है और कई बार मैं पहले मेरे भाव काफी बिगड़ते थे उनके प्रति। अब धीरे धीरे इस अभ्यास से ये फर्क पड़ा हुआ है कि मैं अपने भाव को मूल्यांकन करके उनके सामने प्रस्तुत हो पाता हूँ। मुझे ये समझ में आने लगा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम या ज्यादा होने से मैं अपने भाव के प्रति जिम्मेदार हूँ, तो मैं अपने भाव को बनाए रखते हुए भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और इस चीजों से ये फर्क पड़ा है कि रिलेशंस मेरे वर्क प्लेस में काफी बेटर हुए हैं। इसमें स्टेप स्टेप थ्री है कि इन सहज भाव के साथ हम संगीत में हैं, आराम में हैं, सुखी रहते हैं। तो डेफिनेटली जब मैं इस चीज को एनालिसिस करता हूँ किसी भी इवेंट के बाद तो एनालिसिस करने के बाद चीजें रिजॉल्व हो जाती है और अगले दिन डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो अपने व्यवहार में और अपने कार्य में इम्प्लीमेंट होता है तो उससे मैं आराम में आता हूँ। भाव का निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ, अपने सुख दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। अभी कुछ समय पहले मार्च की बात है, मार्च अप्रैल की बात है और मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ था और उस कंपनी में जो जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैं काम कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट हाथ से निकल गया। इट वॉज वेरी अपसेटिंग एक्चुअली, मतलब उससे काफी लोगों का जॉब भी जाने वाला था इंक्लूडिंग मेरी भी शिफ्टिंग होने वाली थी कहीं और। बट इस मॉर्निंग सत्र और इस अभ्यास से मैंने देखा कि ऐसे अवसर बहुत बार मेरे लाइफ में आए हैं क्योंकि हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आना जाना चलता रहता है कंपनी से निकलना। बट पहले ये इतना सहज नहीं हुआ करता था कि चीजों को और आप जॉब आपका जाने वाला है या कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है और आपके साथ बहुत लोगों का जाने वाला है इसको लेके कई महीनों तक
और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें चलने लगती थी। इस बार इस चीज को अभ्यास करने से ये जो फेज आया था लाइफ में, ये इतना आराम से निकला मेरा, इसमें मैं देख पाया हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें तो स्पष्ट हो जाती हैं, जैसे एक शरीर और आवश्यकता और एक जो बाहर की जो जो दुनिया है उसके प्रति जो एक बहुत हाई लेवल का एक वो क्रिएट किया था कि इतना जरूरी है, तो ये एक मूल्यांकन हो जाता है कि शरीर की एक शरीर और बाहर की जो दुनिया है उसके लिए जो आवश्यकता है वो बहुत सीमित है, और जो मेन काम है वो कॉन्शियसनेस पे करना है, और कॉन्शियसनेस पे काम करने के लिए बहुत डिपेंडेंट बाहर की तरफ नहीं है। तो इन सब चीजों को लेके ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है कि ये जो बुरा जो एक फेज निकला जो पिछला, वो बहुत आराम से निकला, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसे घबराहट नहीं हुई, या मुझे ऐसा कुछ विरोध का भाव नहीं आया, या मुझे ऐसा कोई भय नहीं आया कि अगर ये जॉब चला जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि मैं अपने आप में बना हुआ था, मैं इस चीज को देख रहा था, जब ये विचार मेरे जब ये भय का भाव आता था तो मैं उसका मूल्यांकन कर पाता था और मैं निर्णय ले पाता था कि मुझे किस भाव से रहना है। तो निर्णय लेने का जो जिम्मेदारी है वो मुझे समझ में आया कि मैं स्वयं ही निर्णय लेता हूँ, और इस बात को मैंने बहुत अच्छे से देखा कि इसके लिए पूरी तरह मैं जिम्मेदार हूँ। निर्णय लेने का आधार समझ है, मान्यता है, तो बहुत सारे निर्णय तो मान्यता वासी होते हैं जितना मैं देख पाता हूँ, और जब पुरानी चीजों को इवेल्युएट करता हूँ जो भी निर्णय मैंने लिए हैं पहले, तो ये लगता है कि बहुत सारे मान्यता के बेसिस पे लिए हुए हैं, उसमें से बहुत सारी कुछ अच्छी मान्यताएं भी हैं जिससे बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, और बहुत सारा जो है वो गलत मान्यताओं के बेसिस पे भी है। तो निर्णय लेने का आधार, अब जो निर्णय लेता हूँ, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जॉब चेंज का, उस समय मैंने अपने भाव के प्रति जो निर्णय लिया था वो एक समझ के बेसिस पे था, वो समझ एक मूल्यांकन हुआ था मेरा, मेरी आवश्यकता का, और जो मेरे पे डिपेंडेंट है या जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो मेरा परिवार है, उन सब से बात करके, उनको समझा के और उन सबको एक साथ लेके कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो ये समझ के साथ जब मैंने निर्णय लिया अपने भाव का तो मैं बहुत सहज था। तो पॉइंट नंबर 5, मैं अब जो डिसीजंस ले रहा हूँ उस पे मैं इस पॉइंट को काफी डिटेल में लेता हूँ कि जो भी निर्णय मैं ले रहा हूँ वो मान्यता के आधार पे, समझ के आधार पे। संबंध व्यवस्था सहजता का भाव ही मुझे सहज स्वीकार होता है। ये बात जैसे ही अपने भाव में आती है, विचार में आती है, या व्यवहार कार्य में आती है, तो ये तुरंत इस चीज को फील होता है कि ये बहुत सहज और बहुत आराम से मुझे भी स्वीकार होता है, सामने वाले को भी स्वीकार होता है। इसको हर क्षण निर्णय पूर्वक बनाए रखने का प्रयास करना है। ये बात समझ में आई है कि यही एक नियम है अस्तित्व का, इसी तरीके से मानव मानव से जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से इसको आगे निर्णय पूर्वक इसको प्रस्तुत अपने विचारों में, अपनी कल्पनाशीलता में इस चीज को चलाते रहना है और बनाए रखना है, ये अभ्यास अभी करना है। अभ्यास 2 में तो मैं चैतन्य हूँ, शरीर हूँ, यह दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इस चीज को मैं देख पाया हूँ। अब मैं मॉर्निंग में जैसे रनिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, मैं पूरा ध्यान इस चीज पे लगा रहता है कि स्पेशली योगा में जब मेरी संवेदनाएं जो भी मेरे शरीर से आती हैं, पहले जब मैं उसको देखता था तो मैं केवल एक संवेदना के रूप में देखता था, अब मैं ये देखता हूँ कि ये जो संवेदनाएं आई हैं इसको मैं कैसे अर्थ दे रहा हूँ और इसको मैं क्या सूचना की तरह ले रहा हूँ। तो अब ये समझ में आता है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर मसल से स्ट्रैच हो रहा है, उस मसल से स्ट्रैच होने की जो सूचना मेरे को आई है उसको मैं, अगर वो मसल्स स्ट्रेच हो रही है और अगर मैंने उस चीज का पहले कभी प्रैक्टिस किया है, कहीं पढ़ा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए उस पर्टिकुलर पोस्चर में और वैसा होता है, तो मैं उस स्ट्रेचिंग को मतलब एक्सेप्टेंस के फॉर्म में, एक्सेप्टेंस के तरीके से उसको अर्थ देता हूँ कि ये ठीक है, लेकिन उसकी जगह अगर कोई दूसरे मसल्स स्ट्रेच होने लगते हैं उसी पोस्चर में जो मैंने नहीं पढ़ा है नहीं समझा है, तो उसको मैं पेन है या डिस्कम्फर्ट का नाम देता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि ये संवेदनाओं की जो सूचना मुझको आती है, इस सूचना को मैं ही अर्थ देता हूँ, और वो अर्थ मैं देता हूँ किस तरीके से मैंने चीजों को समझा हुआ है या माना हुआ है। अगर मैंने कहीं कुछ पढ़ा है, समझा है, कुछ भी जाना है, तो
ये मान्यता है उसके हिसाब से मैं देता हूँ और मैं उसके हिसाब से उस चीज को देखता हूँ। तो संकेत देना और संवेदना को पढ़ना ये मेरा निर्णय है। ये मैंने कई बार स्पेशली मॉर्निंग टाइम पे इस चीज को मैं काफी लिखता हूँ। अब जैसे कि लंच टाइम में मैं बाहर निकलता हूँ तो जब संकेत आता है कि भूख लगी है, मैं ऑफिस से ड्राइव करके जब रेस्टोरेंट जाता हूँ तो तकरीबन 20 मिनट्स 15 मिनट्स का ड्राइव टाइम है, तो इस 15-20 मिनट में मैं इस विचारों को फैलाने लगता हूँ कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, आज वहाँ गए थे, कल वहाँ गए थे, ऐसा। और मैं इस चीज को देखता हूँ कि संवेदना शरीर की आई भूख की, बट मैंने उसको किस तरीके से सोचा, कितना सोचा, कहाँ कहाँ, मतलब स्वाद के भाव से भी सोचा, कई बार शरीर के स्वास्थ्य के भाव से भी सोचा, कई बार फ्रेंड्स के जाना है तो वो भी, मतलब एक संवेदना को मैं बहुत तरीके से सोचता हूँ, फिर मैं निर्णय लेता हूँ। तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे उस रेस्टोरेंट में जाना है, मैं वहां पे गया। और मैं इस चीज को भी देखता हूँ कि जब मैं वो निर्णय लेता हूँ और जैसे ही मैं खाना चालू करता हूँ, तो जिस खाने के लिए मैंने 20 मिनट का प्रोग्राम बनाया, वो जब मैं खाना चालू करता हूँ तो हार्डली 1 या 2 मिनट में मेरा ध्यान फिर कहीं चला जाता है। तो ऑफिस की बातों में ध्यान चला जाता है, ऑफिस में कुछ ईमेल्स चेक करना चालू कर देता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि जब मैंने निर्णय लिया था स्वाद के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति, जो भी भावना से निर्णय लिया था, मैं कहीं आया, लेकिन जब मैं उसको भोगना चालू करता हूँ तो भी मैं उससे अलग हो जाता हूँ। तो ये समझ में आता है कि अभ्यास पुरानी ऐसी है, पुरानी मान्यता ऐसी है कि खाना खाते समय भी मैं उस चीज का स्वाद नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि स्वाद लेने वाला तो मैं हूँ और स्वाद लेने के लिए मैंने सारे कार्यक्रम बनाए। वो कार्यक्रम जब एग्जीक्यूट होने लगा तो मैं उस चीज में भी अवेलेबल नहीं हूँ जहाँ मुझे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये समझ में आता है कि मैं ही उस स्वाद को अर्थ देता हूँ। तो अब जैसे मैं खाना खाता हूँ, खाना खाते खाते ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अर्थ मेरे प्रीवियस कहीं ना कहीं उस संवेदना जो मुझे कभी अच्छी लगी थी उससे कंपैरिजन करके मैं उसको अच्छा बुरा देता हूँ, ये रेस्टोरेंट अच्छा है या बुरा है। तो ये सब कंपैरिजन मुझ में ही होते हैं और उसी हिसाब से मैं उसको अर्थ देता हूँ, ये अच्छा है या बुरा है, और उसी से मैं सुखी दुखी होता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मेरे में चली है और इससे अब स्पेशली खाना खाते समय मैं इस चीज में अवेयर बना रहता हूँ कि मैं उस चीज का स्वाद लूँ और उस चीज पे ध्यान दूँ और उस चीज को पूरी तरह देखूँ, और इस चीज से मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ है। अब जो एक समय होता है खाने का, उस समय पे मैं अपने आप को फुल्ली अवेयर रखता हूँ, क्योंकि वो लंच टाइम पे एक ऐसा विंडो होता है जिसपे मैं पूरा रिकैप करना चाहता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का सेशन के बाद दिन में ऑफिस टाइमिंग में ऑलमोस्ट उतना अवेयर नहीं रह पाता हूँ मैं, चीजें स्लिप हो जाती हैं, अवेयरनेस चली जाती है। तो लंच एक ऐसा टाइम होता है जिसमें रिकैप होता है एवरीथिंग, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम लंच एंड देन गोइंग बैक टू ऑफिस वो चलता रहता है। तो इससे बहुत मुझे फायदा हुआ है। जो 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 शरीर का प्रभाव और मेरा निर्वाह, तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मैं पहले तो ये मान के चलता था कि बाहर के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है, बट अब ये समझ में आता है कि इस चीज की जिम्मेदारी तो मेरी है कि मैं बाहर की चीजों को कैसे अर्थ देता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, और इसमें इसमें थोड़ा सा मुझे अभी और काम करने की जरूरत है। संवेदनाओं को पढ़ने का जो मेरा तरीका है वो बाहर की घटना के हिसाब से रहता है, लेकिन बहुत सारे जो मैं उसको अर्थ देता हूँ वो अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं मेरी मान्यता के हिसाब से रहता है और उस पे मेरा समझ का फुट अभी बहुत कम रहता है। और इसमें जो 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 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शरीर और मेरा जो इंट्रैक्शन है वो मुझे अब दिन भर दिखता है कि मैं अपने शरीर से ही बहुत कम इंट्रैक्ट होता हूँ पूरे दिन भर में, तो बाहर के जो शरीर से जुड़े हुए बाहर के जो व्यवहार है उससे तो और भी कम इंट्रैक्ट होता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि मोस्ट ऑफ द इंट्रैक्शन जो पूरे दिन में मेरा मेरे से ही होता रहता है, या मेरे मन में, या तो मेरे बारे में या मेरे से जुड़े हुए किसी घटना के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में ही बहुत ज्यादा चलने लगता है। तो जब अभ्यास दो में काम करता हूँ तो वापस ध्यान मेरा अभ्यास एक की तरफ, कई बार ऐसे स्टेप्स आते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिससे मेरा ध्यान वापस अभ्यास एक की तरफ आने लगता है। तो
अभी अभी इस पे अभ्यास दो पे थोड़ा और अभी काम करने की जरूरत है। और पॉइंट नंबर 7 है, तो इस चीज को अभी सुना है कि मैं और शरीर दोनों शून्य के सहअस्तित्व में है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, ये दिखता है जब मैं देखता हूँ तो दिखता है। शरीर का होना भी शून्य के सहअस्तित्व में है, अभी ये सूचना के रूप में है, इसमें अब बहुत अभ्यास की जरूरत है। दीदी बार बार कहती है काफी लंबा समय लगेगा, और ये लंबा समय जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, इसकी उपलब्धियां भी हो रही हैं, परिवार में भी बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं, बातचीत करने से बहुत सारी चीजें और बेटर हुई हैं पहले से, वर्क प्लेस में भी बहुत सारी उपलब्धि है, अपने आप में भी बहुत शांत हूँ। बहुत विपरीत परिस्थितियां आई हैं बीच में, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी मैं बहुत 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 इसको सहज रहा हूँ, बहुत सरल रहा हूँ, चीजें बहुत रिजॉन सी लगी मेरे को। हालांकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा और अगर अवेयर होता, थोड़ा और अगर मैं उस चीज का मूल्यांकन कर पाता तो शायद वो मेरा जो रिस्पॉन्ड है, वो जो रिएक्शन है वो रिस्पॉन्ड में बदल सकता था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना समय देते हैं, और ये शेयरिंग रखना, मैं एक्चुअली आप लोगों का मतलब कई बार दीदी बोलती हैं, और वाकई में मुझे बहुत बेनिफिट मिला क्योंकि नोट्स बनाता हूँ, रिवीजन करता हूँ, पूरी स्लाइड्स को एक बार देखता हूँ, ये सब चीज मैं नहीं करता अगर मैं शेयरिंग नहीं करता। तो थैंक यू दीदी फॉर इंसिस्टिंग अस ऑन शेयरिंग, एंड थैंक यू एवरीवन। तो मैं अपनी शेयरिंग को यहाँ पे विराम देता हूँ, थैंक यू। जी भैया, कमिटमेंट के बारे में कुछ रखेंगे आप? जी दीदी, कमिटमेंट के लिए दीदी अभी यहाँ पे रहते हुए तो थोड़ा सा वर्किंग टाइम, वर्किंग डेज का भी डिफरेंस है, अदरवाइज मैं टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता हूँ कि ये जो बाकी की मीटिंग्स होती हैं या बाकी के जो भी वर्कशॉप्स होते हैं उनको मैं अटेंड करूँ, मैं उसमें रोल प्ले करूँ। पढ़ाना या पढ़ना मुझे बहुत पहले से पसंद है, ये मेरा बहुत पैशन रहा है, और अब यहाँ से जो भी कुछ मैं कर सकता हूँ मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहूंगा दीदी। अभी मेरा स्वयं के लिए तो केवल मॉर्निंग सेशन ही कर पाता हूँ, मॉर्निंग सेशन के अलावा मैं बहुत सारे अभ्यास जो मॉर्निंग में मिलते हैं मैं एक्चुअली उसको नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत अब महसूस होने लगी है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट समझ में आने लगी, तो वो मैं जरूर करना चालू करूंगा। और परस्परता में सामाजिक भागीदारी के अर्थ में मैं चाहता हूँ दीदी, बट थोड़ा सा आप लोगों का उसमें गाइडेंस लगेगा, और ये दिन में 2 घंटा निकालना या सप्ताह में कुछ समय निकालना डेफिनेटली पॉसिबल है, और इस पे दीदी बात कर सकते हैं आगे। जी 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 भैया, जरूर। भैया बहुत ही धन्यवाद आपकी इस एक्सप्लोरेटरी शेयरिंग के लिए। तो पुनः सबको नमस्ते। जहाँ तक दिनेश जी की शेयरिंग रही, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही। आप बहुत अच्छे से ना, एक तो बहुत ईमानदारी से आपने सिंसियरिटी के साथ ये बात पूरी बात को रखा, बहुत क्रिस्पली रखा, क्या आप देख पा रहे हैं क्या आप नहीं देख पा रहे हैं, और क्या प्रयास आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने रखा। तो काम तो बहुत अच्छे से आप कर ही रहे हैं अपने अंदर, और इसका जो आपने कहा ना, आराम की स्थिति बन रही है, आपको अच्छा लग रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग सब मतलब जब बात शुरुआत होती है, जब तक के अपने अंदर का भाव नहीं दिखता तो ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है ये, हम कर ही नहीं पाएंगे, या इससे होगा क्या, और हमें करना जरूरी है क्या, इस तरह के प्रश्न उठते हैं। लेकिन जैसे ही भाव दिखने लगता है और हम अपने भाव को सही करके आराम की स्थिति महसूस करते हैं तो फिर मजा आने लगता है। तो फिर लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, समय लगेगा तो लगेगा, हम हर क्षण इस प्रोसेस में और अपने अंदर आराम पा रहे हैं, तो बढ़िया लग रहा है। तो वो भी आपने बताया, मुझे लगता है एक जो आपने बात कही कि
दिन भर में वो जो मॉर्निंग सेशन से क्या होता है कि एक तरह से एक रिमाइंडर होता है कि हमें अपने अंदर देखना है। तो दिन की शुरुआत तो उससे हो जाती है, लेकिन दिन भर में हम सब अपने अपने कामों में जुट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस ये बात को याद नहीं रख पाते हैं कि हमें अंदर देखना है, क्योंकि हम सभी का शुरू से अभ्यास रहा है बाहर देखने का। तो एक तरह से एक रिमाइंडर हमें चाहिए होता है, तो इसीलिए बहुत लोगों ने ये बताया कि UHV2 वर्कशॉप करी बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ा जितना मॉर्निंग सेशन से। तो मॉर्निंग सेशन में एक तो ये बात है कि हम डायरेक्टली अपने अंदर देखने का काम कर रहे हैं, दूसरी ये बात है कि डेली डेली हो रहा है, इसमें कोई गैप्स नहीं है। तो इन दोनों बातों से एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर भी है और हम वो रिमाइंडर के तहत अपने अंदर काम करते जा रहे हैं। तो एक्सप्लोरेशन डेफिनेटली हर किसी पार्टिसिपेंट का अपना है, रिमाइंडर जरूर मॉर्निंग सेशन दे रहा है। तो आप दिन भर के लिए भी अपने लिए कोई रिमाइंडर रख सकते हैं। कुछ लोग सेलफोन पे एक ना बीप का अलार्म रख देते हैं कि हर 2 घंटे में या 1 घंटे में या 3 घंटे में वो अलार्म बजेगा। तो एक तरह से आपका रिमाइंडर है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते करते भी एटलीस्ट उस क्षण आपका ध्यान अंदर जाए। तो धीरे धीरे दिखेगा कि जैसे जैसे हम रिमाइंडर रखते हैं विद इन फ्यू डेज हमें लगेगा कि अब तो हमारे हमारा अभ्यास ही हो गया बार बार अंदर झांकने का, क्योंकि अब ऐसा लगेगा कि हमें रिमाइंडर की जरूरत नहीं, हम फिर भी अंदर देख रहे हैं। जस्ट लाइक हम सुबह भी उठते हैं, बहुत लोगों ने ये बताया कि सुबह हम नहीं उठ पाते थे पहले, लेकिन मॉर्निंग सेशन हो रहा है, हमें उठना है, तो हमने अलार्म लगाना शुरू किया और अब तो बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं। तो एक तरह से एक अभ्यास हो जाता है अपने अंदर देखने का। तो ये रिमाइंडर चाहे फोन पे हो, चाहे आप ना एक कुछ नोट अपने लिए चिपका लें जहां भी आपकी नजर जाती हो रोज, कई लोग फ्रिज पे, नहीं तो जहाँ ब्रश करते हैं वहां, कईयों ने बताया वो लगा लेते हैं नोट, या जो भी हो, मतलब जो भी एक तरीका हो। तो पहले पहले तो बाहर रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है, फिर धीरे धीरे अपने अंदर ही वो रिमाइंडर चलते रहता है और बाहर की जरूरत नहीं होती। तो वो एक सुझाव था सभी के लिए, अगर आपको लगे कि वो आपको हेल्प कर सकता है तो जरूर आप उसमें से कुछ अपना सकते हैं। दूसरी बात एक मैं कहना चाह रही थी दिनेश जी के उसमें कि ये जो भागीदारी की बात है, तो कुछ भागीदारी ऐसी है जो उसी समय पर जरूरी है, जैसे कि जब कंटेंट शेयर करना है, वर्कशॉप चल रही है, या उसमें FAQs कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं या सुन रहे हैं या जो भी है, वो उसका टाइमिंग फिक्स्ड है, तो वो टाइमिंग के तहत ही होना पड़ता है। लेकिन बहुत सी और भागीदारी है जो आप अपने समय में कर सकते हैं, जैसे आपकी सहूलियत हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, जैसे कि ट्रांसलेशन का काम है या ट्रांसक्रिप्टिंग का काम है या कोई और इस तरह के बहुत से काम हैं जिनमें के बहुत लोग जुटे हुए हैं। तो अगर आप निधि जी से या प्रिया जी से या यशवंत जी से संपर्क में रहेंगे तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से जिसमें भी ना आपकी अपनी दिलचस्पी हो, जिस काम में आपको लगता है आपकी भागीदारी हो सकती है, उसमें आप अपना नाम देंगे, तो अपने टाइम के हिसाब से आप उसमें जितना समय लगाना चाहें उतना आप कमिट कर सकते हैं। तो ये मैं कहना जी चाहती थी। जी तो बट बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी शेयरिंग सुन के, आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और थोड़ा सा बस ये, कई बार जो पहले जो सेशंस अटेंड किए थे मैंने मॉर्निंग वाले, तो यहाँ का वर्किंग टाइम क्या बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है सब कुछ, शायद 6 बजे 7 बजे से ऑफिस चालू हो जाते हैं, और यहाँ का जो अपना जो टाइम है वो डिफरेंस होता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मॉर्निंग में अगर मैं नई भी हूँ तो इसको रिकॉर्ड में लगा देता हूँ, तो
जब जब कभी टाइम मिलता है दोपहर में शाम को रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, बट ये जो प्रैक्टिस है ना दीदी, जो डेली का प्रैक्टिस है वो डेफिनेटली मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट है, वो एक मिसिंग पार्ट है जो होना चाहिए, और वो एक बार चालू हो जाएगा तो वो हो जाएगा। और दूसरा, कोई भी ऐसी दीदी जो घटना जो अपसेट करती है, मुझे ऐसा लगता है वो भी अपने आप में एक रिमाइंडर है, क्योंकि उसके बाद तुरंत ही प्रोसेस अपने आप चालू हो जाता है, और जब तक ठीक सब ठीक बात चलता रहता है तब तक ध्यान भी नहीं आता है, कभी कभी ऐसा लगता है। है। तो भले वो गलत चीजों में, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अपन बैठे हुए हैं ऑफिस में, सब अपने फेवर में है, सिचुएशन सरकमटेंसेस कोई विरोध नहीं, तो ध्यान नहीं आता है, तो ये भी ठीक नहीं है दीदी। इसको भी थोड़ा जो रिमाइंडर है वो आप बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा चीज है दीदी, धन्यवाद। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही एक तरह से कहना चाह रही थी कि शुरू में रिमाइंडर बाहर होने की जरूरत पड़ती है, बाद में वो जो रिमाइंडर अंदर है ना, वो उसी से, जब वो भाव सही नहीं होता और दुख होता है, वो दुख ही हमारा एक रिमाइंडर है जिससे कि हम इमीडिएटली है ना, वो एक तरह से अवेयर हो जाते हैं कि हाँ अभी हमारा भाव सही नहीं था, देखो हमें दुख लगा, वो अपने आप में एक रिमाइंडर है, जैसा आपने कहा, बहुत सही बात। हाँ, काम जी। तो सब सबने अपने अंदर ही करना है, मॉर्निंग सेशन वगैरह ये सब सेशन तो रिमाइंडर है, और मतलब जो भी बातें हो रही हैं उससे सिर्फ उसका आशय इतना है कि आपका ध्यान उधर जाए, बाकी काम तो सब अपने आप कर ही रहे हैं, अपने अंदर देखना और अपने अंदर है ना आगे बढ़ना, और बारीकी से अपने अंदर देखना, जितना जितना हम अंदर ध्यान देते जाएंगे दिखते जाएगा, उतना उतना हमारी गति और है ना उसकी रफ्तार भी बढ़ती जाएगी। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद दीदी और भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।